शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। का शरीर कितना मजबूत है राजा साहब। मोहिनी, ये क्या कर रही हो? जाओ यहां से। सुने ना, क्रोधित क्यों हो रही? अब वो बस हमारी चोट पर औषधि लगा रही थी। तुम भी उस मासूम को। मासूम? मैंने भी इसे मासूम समझा था, पर अब मुझे लगता है शायद मैं गलत थी। पता था मुझे कि मेरे राजा साहब भी मुझे पसंद करते हैं, पर हर बार मिस सुनैना बीच में आ जाती है। अब मुझे इस सुनैना को हम दोनों के बीच में से हटाना ही होगा। अच्छा सुनैना, ये बताओ तुम गई कहाँ थी? वो मैं बाबा से मिलने गई थी। फिर से? हाँ तिराज, बाबा ने एक उपाय बताया है जिससे काली शक्ति का सच सामने आ सकता है। पर सुने ना, हमने तुमसे कहा था ना कि अब हमें उन पर विश्वास नहीं रहा। अधिराज, आपको उन पर विश्वास नहीं है, लेकिन मुझ पर तो है ना, तो बस मेरा साथ दीजिए। ठीक है सुने ना, बताओ क्या उपाय बताया उन्होंने? उसके लिए हमें रात तक प्रतीक्षा करनी होगी। तुझे क्या लगा मेरे राजा को चोट पहुंचा कर तू बच जाएगा? तू क्या, इस दुनिया में कोई भी अगर मेरे राजा को खरोंच भी पहुंचाने की कोशिश की ना, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। तुम तैयार हो सुनना? हाँ धीराज। राजा साहब, आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरे जन्म का कारण आप ही हो, मेरे जीवन का लक्ष्य आप हो। अब बस आपको मुझसे कोई दूर नहीं रख सकता। आप सिर्फ मेरे हो राजा साहब, सिर्फ मेरे। आखिर वो काली शक्ति कौन है? प्रणाम राजा साहब। प्रणाम रानी साहब। ये कैसे?
तुम इस वक्त मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? रात में भी मुझ पर नजर रखने आए हो? अगर नजर नहीं रखता तो पता नहीं क्या होता। क्या हो जाता? ये यंत्र में यहां तकला है, इसका मतलब है कि वो काली शक्ति यहीं कहीं होगी। इस कक्ष की अच्छे से छानबीन करो, जल्दी। हमें दिखाओ। ये कैचुली, ये कैचुली तुम्हारे पास कहां से आई? ये कैचुली और काला जादू का ये सामान तुम्हारे घर में कैसे आए? बता, चुप क्यों है? तुम ठीक हो ना सुनैना? धन्यवाद माँ। धन्यवाद क्यों राजा साहब, हम तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। हमें तो प्रसन्नता है कि अंततः हमने काली शक्ति का खात्मा कर दिया। हमें पूरा विश्वास था कि स्वप्न में और अपने कक्ष में सर्प देखने के बाद सुनैना चैन से नहीं बैठेगी, इसलिए हमने उस दासी के घर में काला जादू की सामग्री रखी। और हमने अपनी मालकिन के आदेश का पालन करते हुए उस दासी के भोजन में थोड़ा सा जादुई चूरन मिला दिया और सर्पिका की वो केचुली भी रख दी। सुनो, बाहर तुम्हें कोई बुला रहा है। जी। मुझे तो कोई नहीं बुला रहा है। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें आवाज लगाई। माफ करना, वैसे भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, तुम आके भोजन कर लो। और उस चूरन के प्रभाव के कारण वो दासी शैतान की तरह बर्ताव करने लगी और सबको लगा कि वही काली शक्ति है जिसकी सबको तलाश है, वरना वो सुनैना तुमको कब का पकड़ लेती। सर्पिका, सुनैना, 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 इस सुनैना ने एक बार नहीं दो दो बार मुझे पकड़ने के असफल प्रयास किया है। अब बस और नहीं, बड़ी रानी बनकर मेरे राजा साहब के साथ घूमती रहती है ना, अब मैं उसका वो हाल करूंगी कि वो किसी काम के लायक नहीं रहेगी। मार दूंगी, जान से मार दूंगी मैं उसे। वैसे भी मेरे और राजा साहब के बीच में जो भी आएगा वो मरेगा।
तुम्हारा संदेश सही था सुनैना। आज तुम्हारे कारण हम सब उस काली शक्ति से मुक्त हो पाए। सुनैना, क्या हुआ सुनैना? तुम परेशान लग रही हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हारे कारण उस काली शक्ति का विनाश हो पाए। मैं जानती हूँ अधिराज, पर पता नहीं क्यों अब भी लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम हर बार इतना क्रोधित क्यों हो जाती हो? हमने इतनी मेहनत करके तुम्हें उनके संदेह के घेरे से निकाला, वो लोग तुम्हें पकड़ लेते सर्पिका, हमने बचाया तुम्हें। तुम हर बार क्रोधित होकर सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो। मुझे बस सुनैना को बर्बाद करना है और किसी को नहीं, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। नहीं सर्पिका, मालकिन ने कहा ना, नहीं तो नहीं। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है सुनैना। अब हम तो बस इतना जानते हैं कि जब तक तुम यहां पर हो, यहां कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। अब चलो थोड़ा विश्राम कर लो, तुम थक गई होंगी और सुबह तुम्हें जल्दी भी उठना पड़ता है। आओ चलो। अधिराज, मैं अभी आई। पर तुम जा कहां रही होगी? आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। अगर सुनैना को कुछ हो गया तो अधिराज पागल हो जाएगा, पूरी छानबीन शुरू कर देगा वो। और अगर उसे उस सर्पिका का सत्य पता चल गया तो पता है क्या होगा? हमारा चंद्रमणि प्राप्त करने का स्वप्न अधूरा रह जाएगा। सर्पिका बहुत ही क्रोधी है, हमेशा अपनी मनमानी करती है, पर इस बार मेरे लिए उसको रोक पाना नामुमकिन है। अब आप ही को कुछ करना होगा, पर मुझे भय है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे।
ये माया शक्ति है सुनैना, अब बस तू यहाँ एक मूर्ति की तरह रहेगी। अब तुझे ना तो कुछ सुनाई देगा ना दिखाई देगा। तुझे तो इतना भी पता नहीं चल पाएगा कि तेरे आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि तू रहेगी तो यहाँ, पर तेरा दिमाग तुझे एक खतरनाक ऊंची चट्टान पर लेके जाएगा। तो रहो इस माया के घेरे में और डरती रहो। इतनी ऊंची चट्टान और नीचे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मां, मैं यहां कैसे आ गई? अब मैं क्या करूं? मैं यहां से कैसे निकलूं? यहां तो दो चट्टानों के बीच दूरी भी इतनी है, मैं इसे पार नहीं कर सकती। अरे रानी साहिब, क्या हुआ? कहां तक पहुंची आप? ऊंची चट्टान पर पहुंच गए? फिर तो आपको बहुत डर लग रहा होगा, और डर के मारे आप कूद भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊंचाई से कूदेंगे तो मर जाएंगे ना। सुनैना सुनैना सुनैना, तेरे सपने में जो कीड़े मकोड़े आए हैं ना, वो तुझे बहुत बुरी मौत देने वाले हैं। और अगर तू वहां मर गई ना, तो वास्तव में तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसका अर्थ है सच में तेरी मृत्यु हो जाएगी, तू मर जाएगी। सुना है ना, तू मर जाएगी। और जब तक तू नहीं मर जाती ना, तब तक मैं राजा के साथ प्यार भरे पल बिता लेती हूँ। तब तक तू ऊंचाई का आनंद लो। तो बस आपकी बाहों में रहना चाहती हूँ, आपको प्यार करना चाहती हूँ और आपसे प्यार पाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। अच्छा हुआ सुनैना तो सुरक्षित है। ये सर्पिका पागल हुई है क्या? इसका ध्यान अधिराज के अलावा और किसी चीज पर है ही नहीं, अपने लक्ष्य पर भी नहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसे रोकने के लिए हमें कठोर कदम उठाना पड़ेगा।
सुनैना तो बिल्कुल ठीक है। रानी साहब आप यहाँ, हमारा मतलब है आपको अगर कुछ चाहिए तो। लगता है उस सर्पिका ने सुनैना पर माया शक्ति का प्रयोग किया है। तो इसे इस माया शक्ति से बाहर निकालिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने इसे बलपूर्वक बाहर निकालने का प्रयास किया तो ये मानसिक रूप से बीमार या फिर मर भी सकती है। सुनैना, 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 मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें खुद कुछ करना होगा, लेकिन याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो वास्तविक नहीं है। जीना चाहती अपने अतिराज के लिए, अपने प्रेम के लिए। सुनैना, तुम सुन रही हो ना? सुनैना, देखा तुमने, इसकी आंखें घूम रही हैं। इसका मतलब सुनैना संघर्ष कर रही है। ये उस सर्पिका की माया शक्ति से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है और मेरी शक्ति मेरा प्रेम, मेरे अधिराज है। मुझे मेरी अम्बे माँ पर पूरा विश्वास है। जय माँ अम्बे।